और तेरे को एक बात बताऊं क्या, जब भी कोयल ये ड्रेस पहन के चौल में आएगी ना, और जब भी मैं दीपू से शर्त जीत जाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दे देगा, उसके बाद मैं समझ लूंगा मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल गए। खाली एक किच पाप धोना बाकी रह जाएगा, मालूम कौन सा? अरे यार बहुत झूठ बोला है मैं। एक बार वो झूठ को सच कर दिया ना, फिर सब पूरा हो जाएगा। मैं बताऊं क्या, अभी कोयल मेरे को पसंद करती है, और तभी भी पसंद करेगी जब भी उसको ये पता चल जाएगा कि मैं उसको करोड़पति बॉयफ्रेंड सेट्स नहीं है, बल्कि चौल का रंगीला सत्य है। सत्य पक्का ना? अरे पक्का बोले तो एकदम पक्का। रंगीला सत्य, नो नो, एक्चुअली सैट्स, आई वाज करेक्ट अबाउट यू, सही पहचाना था मैंने, पर जो नहीं पता था वो भी आज पता चल गया। देख तू पूरा सच नहीं जानती है, मेरे को एक बार इतना बड़ा गेम सिर्फ एक घटिया सी शर्त के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे घटिया इंसान हो तुम, किसी के जज्बात के साथ खेल रहे हो सिर्फ एक छोटी सी शर्त के लिए? अरे तो तुमने वो हार चुराया, अब तुम्हारा ये झूठ सामने आ रहा है, और क्या क्या है जो तुमने छुपाया? मैं अपने को एक बार बोलने का मौका दे, मैं कोई चोर नहीं है, मैं ये है तुम्हारी असलियत। सैक्स, थैंक्स माही, मुझे यहां लाने के लिए। कोयला, तुम इसको इधर, मैडम देखिए आप उस ड्रेस को कुछ होने मत दीजिएगा प्लीज। एक चोर की मदद नहीं कर सकती मैं। चोर? एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा भाई को चोर नहीं है। अच्छा तो क्या ये सच नहीं है कि उसने ज्वेलर से हार चुराया? अरे वो हार तो हमारी आई का था। अरे वो ज्वेलर चोर है, उसने हमसे पैसे भी ले लिए और हार वापस नहीं कर रहा था, तो इसलिए दादा गए और अपना हार वापस ले आए। इसे चोरी नहीं कहते हैं। कोयल, कोयल, जिस लाडले की मैडम बात करके गई अभी, वो तो पता लग गया होगा रे सबको कि वो किसका कारनामा है। उसने अपना ड्रेस नहीं जलाया रे, अपुन का, तुम्हारा, हम सबका नोट जलाया। वो नोट जो दिन रात पसीना भाग के अपुन लोगों ने कमाया था क्या? अरे सही तो कह रहा है दीपू। ए गंगूताई, क्या तमाशा है ये कौन सा तरीका है गणपत महोत्सव का शुरुआत करने का? हा? अरे अपने घर का झोल है तो अपने घर में करने का क्या? अपने खुद के बेटे को संभाल नहीं पाती है और ये सोसाइटी क्या संभालेगी? अरे मैं पूछता हूँ, किसने तुमको हक दिया था हम लोगों के पैसे को खेलने का? छोड़ेंगे नहीं हम लोग तुम्हें, हमको हमारा पैसा अभी वापस चाहिए क्या? अभी वापस चाहिए हमारा पैसा? क्यों रे बस्ती वाला, अभी देने का वापस? ये लो, शायद इससे आप लोगों की कोई नुकसान भरपाई हो जाए। ये लीजिए, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, माफ कर दीजिए।
आई। अरे खोल देना दरवाजा आई। आई अभी हो गई गलती आई। मैं आई अब बस क्या आई, एक मौका तो देने का आई। आई मैं पैर पड़ता है तेरे, मैं हाथ जोड़ता है, तू जो बोलेंगे मैं करने को तैयार है। बस एक मौका दे दे तेरे सत्या को। आई आई I'm sorry, आई। मैं बात करूं आंटी से? तुम क्या कर रही हो इधर? ये तुम्हारे बाप का महल नहीं है क्या? ये सत्या की चाल है। आउट, निकल इधर से। मेरी बात तो निकल इधर से, नहीं जाएगी। अरे सुनो मेरी बात, सत्या सत्या ट्रस्ट मी, सत्या मेरी बात सुनोगे तो? मेरा कोई मकसद नहीं था तुम्हारी आई को दुख पहुंचाने का। पैसे चौल वालों को दे दो और अपनी आई का हार छुड़वा लो। तुम अमीर लोग के घर में ना जो तिजोरी रहता है ना, उसमें लाखों का हार रहता है। पन अपने आना खाली एक खानदानी हार था मालूम, खाली एक। अपनी आई का ऐसा इमोशनल कनेक्ट था उसके साथ में, तुम्हें ऐसा जान की बाजी लगा के लेके आया उसको। अभी नहीं है मेरे पास में, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को मालूम नहीं है। और मालूम है क्या खोया है मैं अपनी अक्की जिंदगी में? सत्याना एक रुपया नहीं कमाया रहेगा, खाली कुछ कमाया रहा तो अपनी आई की इज्जत कमाया है मैं, उसकी आंख में अपनी इज्जत कमाया है मैं। मालूम अक्की दुनिया की नजर में मैं टपोरी रहेगा, घटी आदमी रहेगा, पन अपनी आई की नजर में ना मैं राजा था, मैं राजा था। आज तुम लोग मेरे को मेरी आई की नजर में गिरा दिया रे, मेरी आई की बेइज्जती हुई है। मैं नहीं बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता है अभी, समझे क्या? और मालूम है क्या, ये गांव तुम्हारे बारे में क्या बोलता है कि तुम झूठी है रे, अव्वल दर्जे की झूठी है तुम। तुमने झूठ बोला मेरे को कि तुम अपनी आई से प्यार करती है, नहीं करती है तुम। और ये झूठ खुद को भी बोलने का नहीं क्या? क्योंकि जो इंसान अपनी माँ से प्यार करता है ना, वो किसी और की माँ की बेइज्जती होते देख नहीं सकता, जैसा मैं नहीं देख सकता। खोखले भाइयों और बहनों, बापू नगर चौल में गणपति स्थापना की उपलक्ष में हमने एक कंपटीशन रखा था। गणपति की मूर्ति जो 20 साल पुरानी है, ये देखने में जरूर छोटी है लेकिन इसका वजन 100 किलो है। गणेश मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह स्थापित करने का जो कंपटीशन रखा था, आज वो कंपटीशन खत्म होने जा रहा है। इनाम पाने के लिए हम जोड़ों को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, मैं उठाएगा या गणपति अकेला? सोच लो, हमारे सारे जवान कोशिश कर चुके हैं पर कोई कुछ नहीं कर पाया। साहिब, ये बप्पा ना अपनी आई का बप्पा है, बोले तो अपने परिवार का हिस्सा है ये। जब भी अपने को अपने बप्पा की जरूरत पड़ी है ना, अपना बप्पा आया है अपने लिए। आज तेरे सत्या को तेरी जरूरत है बप्पा, मदद करने का। मैं अपने पापा को उठाएगा अकेला। सत्या की बाट लग गई। सत्या 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 सत्या।